Hello and welcome to the world of Planet Bollywood. What's up, people? I'm Kunal Saluja. And this is me, Gunjan Saini. This is that show जहाँ हम आपको देते हैं updates from the world of fashion, Bollywood, social media and glamour. लेकिन उन सबसे पहले let's take a look at the headlines. सलमान खान के बर्थडे पर यूलिया ने दिया कौन सा स्पेशल गिफ्ट? नवाज स्टारर ठाकरे की रिलीज को लेकर शिवसेना लीडर ने सुनाया धमकी भरा फरमान. ताल जुड़े सेगमेंट में डीकोड करेंगे आपके फेवरेट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का लुक. फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के कंटेंट को लेकर शुरू हुई कंट्रोवर्सी. फिल्म ठाकरे के साथ हम नहीं होने देंगे कोई और बॉलीवुड मूवी रिलीज. किसने दी ये धमकी? लेट्स फाइंड आउट. रिपोर्टेडली एक स्टेटमेंट में शिवसेना के फिल्म विंग के लीडर बाला लोखारे ने धमकी भरे अंदाज में बाल ठाकरे की बायोपिक ठाकरे किसी भी दूसरी फिल्म के बॉक्स ऑफिस क्लैश को अलाउ नहीं करने की बात कह दी. नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर शिवसेना के फाउंडर लेट बाल ठाकरे की बायोपिक ठाकरे उनके बर्थडे जनवरी 25 को रिलीज हो रही है. इसी डेट पर इमरान हाशमी स्टारर चीट इंडिया और कंगना रनौत की पीरियड ड्रामा मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी भी रिलीज होनी है. 25 जनवरी 2019 के दिन रिलीज होगी फिल्म ठाकरे, जो कि बनी है शिवसेना सुप्रीमो लेट बाला साहब ठाकरे के ऊपर, जिनका 25 जनवरी को जन्मदिन भी है. इसीलिए ये डेट उन लोगों ने चूज किया है. लेकिन एक स्टेटमेंट आई है शिवसेना के एक मेंबर से, जिनका ऐसा कहना है कि 25 जनवरी के दिन जिस दिन ये मूवी रिलीज होगी उस दिन हम किसी और मूवी को रिलीज होने नहीं देंगे, और अगर किसी को रिलीज करना है तो कर ले. एग्जैक्टली. एंड लेट मी जस्ट पुट सम फैक्ट्स हियर. ये जो जनवरी 25 जिस वीकेंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये पहला बड़ा हॉलिडे वीकेंड होने वाला है. एग्जैक्टली. फॉर 2019 दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट ओपनिंग वीकेंड फॉर सम ऑफ द बिगेस्ट मूवीज ऑफ 2019. हम बात कर रहे हैं मणिकर्णिका की, हम बात कर रहे हैं फॉर चीट इंडिया. इनफैक्ट ऋतिक रोशन की सुपर 30 भी इसी वीकेंड पर लाइंड अप थी रिलीज होने के लिए, बट देन अनफॉर्चुनेटली नाउ इट्स releasing then. लेकिन it is a big weekend. And having said that, कि आप कोई और movie यहाँ पर release नहीं कर सकते, it's a big statement. Yeah, it's a very big statement. मतलब हमारे देश में सबको right है चीज़ें करने का. अगर government ने किसी एक body को appoint किया है, CBFC को, कि आप decide करेंगे हमारे देश में कौन सी picture चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, ये dialogue सही है, ये dialogue गलत है, then sir, क्या आप अपने आप को government से बड़ा समझते हैं? Government अगर किसी body को appoint किया है तो please respect that body, no? Exactly. And just to put a little more light on what the situation happened and क्या हुआ exactly, there was a functionary of the Shiv Sena film wing जिन्होंने Facebook पर एक post डाला ये कहकर कि कोई और movie release नहीं होगी. इस पे संजय राउत ने, Shiv Sena MP ने ये statement दिया है कि this is not the stand of the party. ये emotions में बहकर इन्होंने ये statement दे दिया है, लेकिन we don't stand by it. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि this is the second time this is happening. हमने कल ही ये पूरी बात कवर की थी जहां पर संजय राउत ने खुद एक स्टेटमेंट दी थी ऑन द ट्रेलर लॉन्च कि हम CBFC के रूल्स नहीं फॉलो करेंगे, वी विल नॉट गो बाय द सर्टिफिकेशन. देयर आर सम सीन, सम डायलॉग जिससे CBFC को प्रॉब्लम थी, एंड ही हैड एक्चुअली वेंट ऑन टू द स्टेज एंड सेड दैट वी विल नॉट वेट फॉर द सर्टिफिकेशन, हमारी मूवी रिलीज होकर रहेगी. ही हैड हिज ओन पैशनेट आंसर्स टू गिव दैट हाउ बाला साहब वाज समबडी जिनके पास सेंसर नहीं था, जो खुद बिना सेंसर के लोगों से बात कर सकते थे, एंड दैट्स द सेम रूल दैट दे वांटेड टू अप्लाई टू द फिल्म. एंड ये दूसरी चीज यहां पर हो रही है. देयर इज अ सेकंड इंस्टेंस जहां पर लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करने से इस पार्टी के मेंबर्स मना कर रहे हैं, और वो शख्स मना कर रहे हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है. Exactly. आप गवर्नमेंट बॉडी का हिस्सा हैं, उसके बावजूद आप कहते हैं कि बॉस हम गवर्नमेंट का रूल नहीं मानेंगे, सीबीएफसी चाहे कुछ बोले. एंड दिस इज अ डेमोक्रेसी. आई मीन व्हाट आर यू स्टैंडिंग अप फॉर आफ्टर बीइंग अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन? आप उसके बाद भी अगर डेमोक्रेटिक फ्रीडम इक्वालिटी से दूर जाते हैं, अलग जाते हैं, देन व्हाट आर यू रियली स्टैंडिंग अप फॉर? इट्स ह्यूज क्वेश्चंस. हमें पता है हम काफी भारी क्वेश्चंस यहां पर पूछ रहे हैं, बट आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी नीड टू आस्क दीस क्वेश्चंस. बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि इमोशंस ऑन अ हाई राइज, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट टॉकिंग अबाउट बाला साहब ठाकरे life and his story, lekin people should have or people should make that choice ki bhai wo movie dekhne aana chahte hain ki nahi. Aap jab movie release karenge, people should also feel that love, and that is the reason ki koi theater mein movie dekhne aaye, not because aapne logon ko push kiya hai. Like it shouldn't be force. I mean nobody would want to see, and I think Bala Saab Thackeray himself wouldn't want to see ki unko logon ko push karna pade ki wo aaye aur meri movie dekhe. खैर 25 जनवरी के दिन दो और पिक्चर्स रिलीज होने वाली हैं. एक मूवी है चीट इंडिया और एक मूवी है मणिकर्णिका, जो काफी लंबे समय से पोस्टपोन हो रही थी. रानी लक्ष्मीबाई झांसी के ऊपर वो मूवी बनी है, एंड
एंड उनका हमारे देश की इंडिपेंडेंस में, जो हमें आजादी मिली है, उसमें बहुत बड़ा योगदान है. तो 26 जनवरी आई थिंक इज द परफेक्ट डेट जब इतनी बड़ी पिक्चर रिलीज हो. उसके अलावा चीट इंडिया मूवी रिलीज होने वाली है इमरान हाशमी की. काफी प्रेशर पड़ चुका है, काफी प्रेशर. इनफैक्ट दोनों मूवी के यू नो प्रोड्यूसर से बात हुई, उन्होंने यही कहा दैट दे वांट टू कम टू द एमिकेबल सॉल्यूशन. बिल्कुल, हम सुलझाने की कोशिश करेंगे. इनफैक्ट जो थिएटर ओनर्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की गई और वो इतना कुछ खुलकर जवाब नहीं दे पा रहे. बस वो यही कह रहे हैं कि हम आके बातें करेंगे, बिकॉज हम नहीं चाहते कि यू नो हमारे स्क्रीन्स में आके, हमारे थिएटर में आके हंगामा हो, हमारी प्रॉपर्टी को कुछ लॉस हो. एंड हम एक बार फिर से यही कहना चाहते हैं, तो ऑल दोज पीपल जो ये कह रहे हैं दैट यू नो 25 जनवरी को हम ठाकरे फिल्म के अलावा कोई और मूवी रिलीज नहीं होने देंगे, आप इतनी बड़ी पार्टी के मेंबर हैं, हमारे देश का आप हिस्सा हैं, एटलीस्ट रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिस्पेक्ट द बॉडीज जिसे हमारे देश की गवर्नमेंट ने बनाया है. एंड रेस्ट, अगर आपकी मूवी अच्छी है, लोग चाहे कितनी करोड़ों और पिक्चर क्यों ना रिलीज हो जाए, वही पिक्चर देखने आएंगे. Absolutely. उसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज आज का टाइम कॉन्टेंट का टाइम है. लोगों को चाहिए कॉन्टेंट. कॉन्टेंट अच्छा होगा आपकी पिक्चर चलेगी. आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा लेकिन उसके अंदर आप दुनिया के सबसे बेस्ट सुपरस्टार्स क्यों ना डाल दें, वो पिक्चर नहीं चलेगी. इनफैक्ट कुछ देर पहले ही हमने कमल जैन, प्रोड्यूसर ऑफ मनी कर्णिका, से भी बात की एंड हमने उनसे एक स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अबाउट द होल कंट्रोवर्सी. और उनका कहना था कि चाहे जो हो जाए हमारी मूवी 25 जनवरी को ही रिलीज होगी. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही हैड टू से. I have already given my quote in Mumbai Mirror. You can take it from that as it is. We are coming on 25th January. That's it. That's all about it. Nothing else, nothing more, nothing less. I want to say on this. We are coming on 25th January as decided. I don't want to comment on anything else, Nikita. I'm just sure about myself. Okay. Thank you. Bye. शादियों का सीजन जो शुरू हुआ है, लगता है India's most eligible bachelor would also be joining the list soon. Let's give you more updates on that. सलमान खान रोमेनियन ब्यूटी उलिया वेंतूर के साथ रूमर्ड रिलेशनशिप की न्यूज की वजह से अक्सर हेडलाइंस में रहते हैं. अब एक बार फिर उलिया ने कुछ ऐसा किया है जिससे सलमान और उनके रिलेशनशिप की खबरों ने जोर पकड़ लिए है. रिपोर्टेडली उलिया वेंतूर ने सलमान खान के 53rd बर्थडे पर क्रूसिफिक्स पेंडेंट और गोल्ड चेन गिफ्ट किया. हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपना 53rd बर्थडे किया सेलिब्रेट, जहां पर उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वांतूर ने उन्हें एक रोमेनियन क्रूसिफिक्स विद अ गोल्ड चेन गिफ्ट किया, जिसे सलमान भाई हर जगह पहनते हुए नजर आए. फिर चाहे वो केक काट रहे थे या मीडिया से बातें कर रहे थे, हर जगह वो क्रूसिफिक्स उनके गले की शान बढ़ा रहा था. एग्जैक्टली, काफी पास लगा वो जो लॉकेट उन्होंने पहना था, और उससे भी ज्यादा करीब थी यूलिया थ्रू आउट द होल इवनिंग विद द सेलिब्रेशन. इनफैक्ट ऑल द गेस्ट हु हैड अराइव्ड फॉर द पार्टी, दे सेड दैट अपेरेंटली शी वाज द होस्ट ऑफ द पार्टी एंड उन्होंने ही सारे लाइक शी वाज आल्सो मैनेजिंग द होल थिंग. इनफैक्ट गुंजन, ये तक कहा जा रहा है दैट यू नो क्रिसमस के लिए स्टार्टिंग से यूलिया ने बहुत लोगों को गिफ्ट भेजे. फॉर एग्जाम्पल मनीष मल्होत्रा को गिफ्ट भेजा, सीमा खान, प्रेम सोनी, एंड बहुत बड़ी लिस्ट है. लेकिन इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है, जो गिफ्ट भेजा तो उसमें कार्ड था और उसमें था लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम यूलिया एंड सलमान, विच अगेन हमें बोलता है कि कितने प्रतिशत भारतीयों को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के मोस्ट एलिजिबल बैचलर सलमान भाई भी जल्दी शादी कर सकते हैं. बिल्कुल, आई थिंक दिस इज वन क्वेश्चन वी हैव बीन आस्किंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बट लुक्स लाइक थिंग्स आर गेटिंग रियली सीरियस हियर. इनफैक्ट एवरीबॉडी हु मेड इट टू द पार्टी थिंक्स दैट चीजें दूसरे लेवल तक बहुत जल्दी पहुंचने वाली है. एंड व्हाई नॉट, आई थिंक वी हैड एन ओवरडोज ऑफ वेडिंग्स, बट वी आर डेफिनेटली रेडी फॉर दिस अपकमिंग. यू नो व्हाट, मैं बच्चे से बड़ा हो गया हूँ आज तक यही सोचते कि सलमान भाई की शादी कब होगी. एग्जैक्टली, वो उस सवाल का तो हमको जवाब नहीं मिला, बट आई थिंक शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ यू फाइंड दैट सोलमेट फॉर योरसेल्फ, दैट पार्टनर फॉर योरसेल्फ, एंड इट्स रियली हैप्पी टू नो that he has somebody around him. I mean, jaise aap age karne lag jate ho, I think one of the biggest cares everybody is that you don't want to be left alone, and definitely not the hottest guy of Bollywood, right? So I think the hottest guy on this planet. That's your opinion, but at least let's just go with the hottest guy on in Bollywood right now. And agar unke saath koi hai, he's found a soulmate, I think there's nothing more and better to celebrate. फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के रिलीज को लेकर शुरू हो चुकी है एक बड़ी कंट्रोवर्सी. लेट्स हैव अ लुक एट द कंप्लीट स्टोरी. अनुपम खेर स्टार और मच अवेटेड फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का कल ट्रेलर लॉन्च किया गया. द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के ट्रेलर लॉन्च के बाद से ही इसके कंटेंट को लेकर महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस ने ऑब्जेक्शंस उठाए हैं और स्टेटमेंट रिलीज करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि अगर उनके ऑफिस बेयरर्स के लिए प्रायर स्क्रीनिंग के बिना फिल्म को रिलीज करने की कोशिश की जाती है तो वो लोग फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने के दूसरे ऑप्शंस भी ट्राई करेंगे.
2014 में ये बुक लिखी गई थी जिसका नाम था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर. दिस वॉज रिटन बाय संजय बारू हु वॉज एडवाइजर टू आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी. एंड इसी बुक पर बेस्ड है अब ये मूवी. नाउ द होल कॉन्ट्रोवर्सी अराउंड दिस होल बुक द मूवी इज कि द महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के मेंबर्स कह रहे हैं कि हमें चाहिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग बिफोर द मूवी रिलीजेस बिकॉज हम देखना चाहते हैं दैट द फैक्ट्स जिस मूवी में दिखाए जा रहे हैं वो सही हैं. या बिल्कुल सही कहा. उनका ऐसा कहना है कि भाई ये पिक्चर रिलीज करने से पहले आप हमें दिखाइए, हमारे जो ऑफिस बेयरर्स हैं, ऑफिस के हेड हैं, आप उन्हें दिखाइए, वो बताएंगे कि ये पिक्चर कितनी फैक्चुअली करेक्ट है, इसमें क्या फैक्ट्स गलत है, इस पिक्चर में ये सीन सही है, ये सीन गलत है. इनफैक्ट महाराष्ट्र स्टेट यूथ कांग्रेस ने जो एक बड़ा सा स्टेटमेंट दिया है उसमें एक लाइन है जो मैं पढ़ना चाहता हूं. उन्होंने कहा है, इफ द सेड मूवी is released without prior screening for our office bearers and without making necessary changes, then हमारे पास और भी दूसरे तरीके हैं इसे बंद करने के और उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे. Now, ये किस हद तक कहना सही है कि बॉस CBFC ने अप्रूव कर दिया, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, पहले आप हमसे अप्रूवल लीजिए. अगर हमने इस पिक्चर को अप्रूव नहीं किया, हमने आपको जो सीन बोले हैं आपने उन सीन्स को नहीं हटाया और हमें जब आपने मूवी रिलीज कर दी उसके बाद पता चला कि बॉस ये सारे सीन्स मूवी में हैं, पिक्चर हम तो तब भी बंद करा देंगे, लेकिन जो रास्ते हम अपनाएंगे उसके लिए जिम्मेदार आप लोग होंगे. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन कुणाल. दिस इज द सेकंड इंस्टेंस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जहां पर धमकी सॉर्ट ऑफ दी जा रही है कि हम दूसरे रास्ते अपनाएंगे एंड नोबडी रियली वांट्स टू फॉलो द लॉ एनीमोर. आई मीन कितने लोगों को, आई मीन वी स्पोकन अबाउट सो ऑफ्टन की पद्मावत में कितनी प्रॉब्लम्स हुई, लाइक इट हैज जस्ट हैपेंड सो फ्रीक्वेंटली. हमारे देश में CBFC की जरूरत नहीं है. मैं बोलता हूँ बॉस एक काम करो, हाथ जोड़ के CBFC बंद करा दो ना, इतनी दिक्कत है तो मतलब CBFC एक गवर्नमेंट बॉडी है, उन्होंने अगर अप्रूव कर दिए हैं सीन्स को, डायलॉग्स को, चीजों को अप्रूव कर दिया है तो आपको क्या तकलीफ है. एक काम करिए, CBFC से अगर बड़े आप हैं तो आप खुद ही जाके बैठ जाइए वहां पे. I mean, हम ये क्वेश्चन कितने लोगों से पूछेंगे. दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग एवरी अदर डे. आई थिंक वो लाइन जो हम लोग एक क्लियरली लगाना चाहते हैं दैट दिस इज अ ऑल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस. ये किसी और के एस्थेटिक्स के हिसाब से, किसी और की स्टोरी टेलिंग है, इट्स अ फिक्शनल स्टोरी. ये तो पूरी बुक के ऊपर लिखी गई है. एग्जैक्टली. एंड अगर बुक में ये फैक्ट्स हैं, इट्स रिटन बाय संजय बारू हिमसेल्फ, इट इज हिज आइडिया. लाइक यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू आर सपोज टू से जिस तरह से. आई एम वेरी श्योर दैट हर कोई ये समझता है कि ट्रूथ कैन बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज, बट ऑल ऑफ अस डू हैव द राइट ऑफ टेलिंग आर साइड ऑफ द ट्रूथ. अगर आप उससे डिसएग्री करते हैं, ऑफ कोर्स वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हियर इट. एंड देयर आर सो मेनी फ्रूटफुल एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन. नहीं, लेकिन हम तो ऐसे ही बोलेंगे दैट देखिए अगर आपने पिक्चर रिलीज करी ना हमारी परमिशन के बिना, हमें नहीं दिखाया, तो फिर हम जो तरीके आजमाएंगे उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं. मतलब आजकल हमारे देश में ये हो क्या रहा है, पद्मावत रिलीज हुई तो संजय लीला बंसाली को थप्पड़ पड़ गया, उससे पहले लव रात्रि पिक्चर थी उसका नाम से तकलीफ थी तो लव यात्री किया गया, संजू पिक्चर आई उसमें जेल के एक सीन से लोगों को तकलीफ थी जो कि CBFC अप्रूव कर चुकी थी, लेकिन क्योंकि लोगों को सीन से तकलीफ थी लोगों ने वहां पे पिटीशन फाइल कर दे, नहीं ये तो भाई गलत दिखा रहे हैं. आई थिंक कुणाल इट्स मोर अबाउट नो गुंडा राज. आई मीन जस्ट बिकॉज इट्स बॉलीवुड मूवीज आपकी नहीं सुनी जाएगी. CBFC ने पास्ट में भी अपना डिसीजन दिया है, दे सेड इफ वी विल स्टार्ट लिस्टिंग टू ऑल ऑफ यू तो हम कभी भी अपना काम नहीं कर पाएंगे. आई थिंक समवेयर एज party workers, somewhere as the part of the government system, agar uske baad bhi aap aise immature decisions dete hain, yes. immature statements bolte hain, then I think ki aap regular citizens se kya expect karte hain. I completely agree with you because main yehi bolne wala tha, ek normal insaan agar aisa bole na samajh mein aata hai, chalo theek hai, they don't understand the power, they don't understand, but agar aap ek party ka hissa hain, itni badi itni reputed party ka hissa hain, uske baad agar aap aisi dhamkiyan dete hain, then to sir hum you shouldn't be part of the system, you shouldn't be part of it, exactly. Khair 11 जनवरी 2019 के दिन रिलीज होगी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें कमाल का बेहतरीन काम किया है मिस्टर अनुपम खेर ने. आई डोंट फील कि उनसे बेहतर मनमोहन सिंह साहब का किरदार कोई और प्ले कर सकता था. एंड यू नो आई एम जस्ट प्रेइंग कि ये मूवी कंट्रोवर्सी से दूर रहे एंड जो पिक्चर डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर्स ने बनाई है और जिस तरह की पिक्चर वो जनता को दिखाना चाहते हैं वही फाइनल प्रोडक्ट जनता तक पहुंचे. Planet Bollywood में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, but we will be right back where we will be decoding the style statement of your favorite Bollywood celebrities. You stay tuned. Welcome back after the break, and now it's time to decode the style statement of our Bollywood celebs. Starting with Alia Bhatt and Shikha. I feel Alia ne tumhe copy kiya hai ya tumne Alia ko copy kiya hai? I think coincidentally maine Alia ko copy kiya hai. Yeah, for Alia knew that I was going to wear this today. Oh, like So yeah, Alia was spotted at the airport and she was pajama dressing, which is a really cool trend. It's comfortable but very hard to style. Mm.
But I think she did it right. I think when you do separates, when you do matching separates, then the whole look comes out together. There's also a risk ki aisa lagta hai ki aap apne bed se utke bahar aa gaye. But I think with Alia, you know, with her pretty face and the way she styled it, she was wearing heels with it, she was wearing a designer tote with it. So I think the way Alia styled it with the tote and the heels, I think overall the look was really nice, and also it keeps you comfortable. Yeah. So I think this is one of those airport looks that I would also want to copy, because it is a very comfy look. It's not something where you're wearing thigh-high boots or like uncomfortable clothes. It's very breezy, it's very stylish, and I really like it. Well, wow, isn't that taking fashion too far? I think we're taking our comfort really seriously, and good times for us, Kunal, huh? Not for us, for you girls, because ladkon ke baare mein to mohtarma baat hi nahi karti. Ek din aayega. Ek din. In that hope, we're going to sit here and talk about some more looks. Going with this another person, I think, who's been nailing her promotion looks. Lekin is baar main thodi disappoint ho gayi hu. Sara Ali Khan. Yes. Are you talking about my crush? Yes, we're talking about the whole country's crush, Sara Ali Khan. But what do you have to say about this look? Am I right about getting a little disappointed? Yeah, you're absolutely right. I think ye look thoda costumeish tha. She was wearing a blue color fringe dress. It was a midi length dress which had fringes starting from above the knee. It also has this scarf print on it. Now, scarf print is a really huge print when it comes to t-shirts, dresses, shirts, everywhere. When I say scarf print, what I mean is the print that you typically see on bandanas and scarves. So that is what the print was on her dress. The blue dress also had really long sleeves that had fringes to it as well. Now, what I feel like is that the color is too loud to complement a print that is such a statement, one. Second of all, the fringes did not look good. It was kind of making the entire outfit look very costumeish. And then there were fringes on the sleeves as well. So I think because Sara belongs to the Bollywood family, her style influence is also very Bollywoodish. It's very filmy. So when she dresses up, it's a little bit over the top, which I like. But I think in this case, thoda jyada ho gaya tha. I've also mentioned before that she's also been wearing matching everything, like blue dress, blue shoes. In this case, she wore a blue dress, which was such a statement, had fringes, had a really loud print, had fringes on the sleeves as well, had a little bit of shine to it. And on top of that, she wore blue metallic heels. I think that got a bit much again. So, I mean, I was a little disappointed. She looked good neck up. She looked pretty as usual. But the dress was not my favorite. But I still feel, Sara, you're the most beautiful girl. Let's talk about our other Bollywood celeb. Her name is Dyna Penty. What do you have to say about her? Right, so Dyna Penty was spotted at a party, and I think this look is a really cool, subtle look. There's not much to fault in the look. She was wearing a striped dress which had a bit of a ruffled hem on the bottom, and it was a full sleeve dress. It was a sweater dress, and I think it fit her well because she's really tall and she has a very slender frame. So she's someone who can really carry off bodycon dresses very well. I think also when you wear horizontal stripes, it tends to make you look wider, but in case of Dyna, because she does have the figure of a model, so it looked really good on her. It complimented her. The colors were really fall time colors. Kafi unhone deep and dark hues pehne the, like it had ox blood and it had like a darker green. So the colors were also really nice, and she styled it also very well. Wow, talking about another fashionista right here. I mean, I wouldn't really put her here, and we haven't really spoken of much of her styles. But now that she's featured here today, this look really caught my eye. I think I had to really go back the second time and be like, wow, there's just something more to that. And not just a black sari. What do you have to say about Vidya Balan's look? Right. I mean, I don't know. It's subjective. It is a really cool take on the way she's draped the sari and the way she's wearing the sari. It had like a half blazer style detail. I like the fact that Vidya is ditching the boring basic sari where she usually tends to keep the palla open and, you know, just wear saris in different colors and fabrics, and she's trying something different. I like the hair and makeup over here. It looks really good. It's a break from the hair and makeup that Vidya usually does. But the sari style, I'm not a big fan of. I do appreciate that she's trying something different, but I think somewhere it just did not sit and fit right, and it looked a little bit confusing, I'd say. Because on one side, it was blazer style, and then the other side, there was a palla, which under the blazer was there. It was a pre-stitched sari. Just my blazer already tha. It was not like she added it to style it. It was the way it was, and I don't think it fit right. Okay, well, from Vidya, let's move to another Bollywood diva, and we spotted her in a sari too, and her name is Chitrangada Singh. What do you have to say about her look? I think more than Chitrangada and the sari, I'm a fan of the designer and the clothes that they make. This was a really cool and refreshing color when it comes to Indian clothes. We don't really pick pastel hues or like minty hues or popping colors or neon colors. This was not a pastel green. It was like a really loud mint green, which had gold motifs on it. And it also had like really cool modernist
embroidery on it. She wore it. She wore the palla tied up. She didn't leave it open, which again gave it a younger look. I think a sari can instantly look younger if you wear the palla thinner or you wear it tied up, which is what she did. She wore her hair in soft curls, which looked nice. She wore a fresh face of makeup, again, really nice. But I think the styling was very simple, minimal. So I'd give credit to the designer for making an outfit this pap more than the stylist, Anshit Rangana. She did carry it off well, but it's a really good sari in itself. Well, thank you so much, Shikha. There were definitely some hits and misses in today's look. Like, and I hope you got your daily dose of inspiration. This is me, Gunjan Saini, Kunal Saruja and Shikha Kohli saying bye for now. Have a great weekend. Weekend ke baad hum lekar aayenge ek special New Year episode right here on Planet Bollywood. Till then, keep watching Zoom, styled by Myntra.